जाइगोटिक कंडीशन है, तो ये आपका जब जाइगोट मल्टीप्लाई करने लगा इनर सेल मास जो है उसमें से हम अगर सेल आइसोलेट करते हैं दे आर कॉल्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके बाद और नैरो हो जाता है देन दे आर कॉल्ड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, दे हैव ए नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंशिएशन देन आपका प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से और नैरो हो जाता है, ठीक है, बट दे आर स्पेशलाइज इन डिस्क्रीट सेल्स ऑफ स्पेसिफिक सेल लाइनेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आपकी दे कैन डेवलप इनटू द सेवरल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आपने पढ़ा हुआ होगा कि कई तरह के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यू ब्लड आर बी सी डब्ल्यू बी सी, उसमें डब्ल्यू बी सी में कई सारे होते हैं आपके। तो जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं दे कैन कन्वर्ट इनटू द एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करते हैं। तो मल्टीपोटेंट को अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें दैट मीन्स दे आर नैरोअर फ्रॉम द प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लुरिपोटेंट सेल्स है और उसके ज्यादा वाइडर आपका टोटिपोटेंट है। तो जो मल्टीपोटेंट है वो एक स्पेसिफिक लाइन में जा रहा है लेकिन फिर भी उसमें चांसेस हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, ये आपका और नैरो रेंज हो गया, दैट इज कैन डिफरेंशिएटेड टू सेवरल सेल टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइलॉइड स्टेम सेल है जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है बट नॉट इन रेड ब्लड सेल्स। मल्टीपोटेंट जो था व्हाइट में भी कन्वर्ट हो रहा था, रेड में भी कन्वर्ट हो रहा था, बट इन केस ऑफ ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स दे कैन ओनली चेंज इनटू द सिंगल टाइप ऑफ सेल्स दैट व्हाइट ब्लड सेल्स, लेकिन आरबीसी नहीं बनेगा उससे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स में भी कई सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो फर्दर हम और नैरो रेंज पे जाते हैं, दे आर यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, दैट इज द नैरोएस्ट डिफरेंशिएशन एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डर्मेटोसाइट्स, डर्मेटोसाइट्स ये आपकी स्किन बना रहे हैं तो ये सिर्फ स्किन बना सकते हैं, कोई और बॉडी का पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके स्टेम सेल्स हो गए और अकॉर्डिंग टू जिस तरह के स्टेम सेल्स होंगे हम उतने ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्किन में ग्राफ्टिंग करनी है, चेंज करना है, बर्न या कुछ हो गया है तो देन वी यूज द दिस टाइप ऑफ यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। लेकिन हम ये नहीं कि हम टोटिपोटेंट में आपकी इनिशियल स्टेजेस में होगा लेकिन उसको हम ज्यादा कई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कई तरह के ऑर्गन्स में, कई तरह के टिश्यूज में, सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द, किस तरह से स्टार्ट हुआ आपका स्टेम सेल बायोलॉजी बेसिक लेवल पे आते हैं। तो ब्लास्टोसाइट जो है आपका सबसे इनिशियल जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है तो ये ब्लास्टोसाइट क्रिएट होता है। तो इसमें आपकी इनर सेल लाइन जो होती है दैट इज शॉर्ट लिव्ड स्टेम सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल टाइप, ये इनर सेल मास है, ठीक है, और जो किसमें डेवलप होता है एपिब्लास्ट में और जिससे आपका फोइटस डेवलप होता है विच इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ फोइटस, एंड ट्रोफेक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है जो आपकी मैंने इसमें दिखाया, ये आउटर लेयर जो है आपकी वो उसका क्या काम होता है, वो आपका प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्लास्टोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर सेल मास, माइक्रो एनवायरमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंदर सेफ एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, साथ ही ट्रोफोएक्टोडर्म जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज नीडेड फॉर द सक्सेसफुल ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो सच एज प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसका अपना रोल, ये इसमें से इनर सेल मास से पूरा बेबी क्रिएट होता है जैसे फोइटस उसे बोलते हैं, और ये आपका जो ट्रोफोएक्टोडर्म है उससे आपका प्लेसेंटा और एम्ब्रियोनिक फ्लूइड जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, बनता है, और दैट इज हेल्प्स द फोइटस टू डेवलप, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। जो आपका ट्रोफोएक्टोडर्म है ये स्पेशलाइज सपोर्ट स्ट्रक्चर हो गया, स्पेशलाइज हो गया, उससे फोइटस डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका अभी इनिशियल कंडीशन में 16 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज में इनर सेल मास होता है ये स्टिल अनडिफरेंशिएटेड होता है, जो आउटर है उसका तो फंक्शन डिसाइड हो गया, दैट मींस कि फंक्शन डिसाइड हो गया,
दैट मीन्स कि उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, बट जो इनर सेल मास है इट इज स्टिल अनडिफ्रेंशिएटेड, सो इट इज ए फुली प्योरीप्रोटेंट और प्रोलिफरेटिव. दैट मीन्स इट कैन बी, अगर हम इस कंडीशन में किसी को हम आइसोलेट कर लेते हैं, सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, देन दिस टाइप ऑफ सेल्स कैन, जैसे आपका इनिशियल कंडीशन जब बेबी क्रिएशन शुरू होता है तब नॉर्मली एक ही से स्टेज होते हैं, सारे सेल्स एक से होते हैं, तो उस सेल कंडीशन में अगर मैं सेल्स आइसोलेट कर लिया और उसको हम कौन किसी आया था भाई, ठीक है, तो उसको हम वी कैन डेवलप द एनी टाइप ऑफ ऑर्गन या कुछ भी, किसी में जिस तरह से ग्रोथ फैक्टर, कोई भी सेल किस फॉर्म में डिफरेंशिएट होती है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक तो सेल टू सेल कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस जो डीएनए में कौन सा उसको, ये आपने मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा होगा ऐसे करके आ रहे हैं आप लोग, तो उसमें डिफरेंट इनहेंसर्स और डिफरेंट जो आपके फैक्टर्स होते हैं इसमें आके डिफरेंट फैक्टर्स आकर बाइंड करते हैं. इसमें कोई फैक्टर बाइंड करता है तब वो जीन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है. तो अगर हम वही फैक्टर्स लैब कंडीशन में इंट्रोड्यूस करते हैं सेल में, तो वो सेल आपकी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इनिशियल आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसमें आपका ब्लास्टोसाइट जिसे हम बोलते हैं, इनर मास है, इनर सेल मास है आपका, इट इज कल्चर्ड इनटू द एक प्रॉपर एक इनका कंडीशन होती है जिसमें आपका टेम्परेचर ये वो सब तो देते ही, एक बेस सपोर्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें हम आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम ग्रो करा सकते हैं. अगर इस कंडीशन में हम सेल्स इसमें से ले लिया तो इट कैन डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आइदर टाइप ऑफ सेल्स, आइदर इट मे बी फैट सेल्स, इट मे डेवलप इनटू द न्यूरॉन्स, क्योंकि ये न्यूरॉन्स वगैरह आपके आपने भी पढ़ा होगा एक बार डैमेज हो जाते हैं जैसे पार्किंसन डिजीज वगैरह में, तो नॉर्मली रीजनरेशन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. मुश्किल क्या होता ही नहीं है, लेकिन इस स्टेम सेल्स के कल्चर के थ्रू वी कैन रीजनरेट द न्यूरॉन्स, ठीक है. इसी तरह आपका मैक्रोफेजेस में डेवलप कर सकते हैं, मसल सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, ग्लायल सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में हम इस स्टेज से सेल्स अगर आइसोलेट करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन चेंज इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है. ये आपका दूसरा है, इसमें ये देखिए दिखाया गया है, ये आपका पहले अनफर्टिलाइज एग लिया फ्रॉम द एडल्ट फीमेल, इसके थ्रू वी कैन, इसमें आपका फर्टिलाइज एग है, इट फर्टिलाइज एग है, बट इन दिस केस देर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है. क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्स हमने लिया फ्रॉम द एडल्ट टिश्यूज, इसमें आपको जिसको हमें क्लोन करना है. वॉट इज द क्लोन, क्लोनिंग क्या होती है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हम डेवलप करते हैं, सेल्स डेवलप करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोन, ठीक है. जैसे आपका बैक्टीरिया सिंपल क्या होता है, उसमें क्लोनिंग, आप लोग बहुत आराम आराम से आते हो भाई क्लास में, ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम, हमें एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन नहीं करना है आपको, हमें सिंपल सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म ही दोबारा क्लोन बनाना है. क्लोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सो जो आपकी सोमेटिक सेल्स होती हैं वो तो आपकी किसी को क्रिएट नहीं कर सकती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अनफर्टिलाइज एग लिया फ्रॉम द फीमेल, एडल्ट फीमेल, और उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया. न्यूक्लियस निकालने के बाद देन वी इंट्रोड्यूस द DNA from the somatic cells, उसमें से हमने इसको introduce करा दिया, then क्या होगा, cell fusion उसके बाद के बाद आपका nuclear जो है आपका nuclear injection करके हमने DNA जो आपका उसका DNA है उसको introduce करा दिया. अब इस condition में क्या हो रहा है, जब cell multiply करेंगे proper environment create देंगे, then cells multiply कर रही हैं, then
अगर हमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करनी है तो उस कंडीशन में हमने एम्ब्रियो लेके किसी भी एडल्ट फीमेल में इंट्रोड्यूस करा देंगे, या एनिमल या ह्यूमन कोई भी किसी में भी, तो सेम टाइप का जो है आपका ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। जो 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 आप जहाँ से आपने सोमेटिक सेल्स ली थी, सेम टाइप का आपका ह्यूमन से अगर आपने लिया है, किसी भी एनिमल से लिया, अगर प्रॉपर उसी में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो सेम टाइप का क्लोन जिसे हम क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर लेकिन हमने उस एम्ब्रियो को लेकर आपने एम्ब्रियो को लेकर क्या किया, उसमें उसको आपने मीडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया, तो क्या किया, वो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द थेरेप्यूटिक यूज के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। ये आपका रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहलाएगा और ये आपका थेरेप्यूटिक क्लोनिंग कहलाएगा, जिस तरह की सेल्स को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक, ये सब अभी बहुत स्टेम सेल्स जो है 2000 के बाद काफी, इसमें शुरुआत तो 1966-67 से स्टार्ट हो गया था, बट अब जो उसका कई जो है आपकी इसमें 2001 के बाद आपका कई सारी जो दो फैक्टर्स हैं वो आपके इंट्रोड्यूस हुए थे, उसमें उसके थ्रू आपका अब इसमें कहना चाहिए तेजी आई इसके रिसर्च में। ठीक है, तो सेम अगर कोई डिजीज कंडीशन है, तो अगर अगर इस तरह से सेल्स हम अपना लेकर उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी ऑर्गन में किसी के प्रॉब्लम है, हालांकि काफ़ी टीडियस जॉब है, इमेजिन कर सकते हैं लेकिन आगे फ्यूचर के लिए, कि फॉर एग्जांपल किसी की किडनी में आजकल क्या होता है, किसी प्रॉब्लम है तो डायलिसिस होगा या फिर आप ट्रांसप्लांट करते हैं किसी डोनर को लेकर, तो डोनर में भी क्या प्रॉब्लम आती है कि सेम रिजेक्शन की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि एंटीजन की तरह काम करती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है इटैक्टर एंटीजन मैच नहीं करता है, आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कई बार आप डिजीज कंडीशन भी हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको, क्योंकि दूसरे की का भी कोई भी कितना भी आपका एक से भाई है कोई भी है, एंटीजेनिकली दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को ओवरकम किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी बॉडी के ही सेल लिया, उसको इंजेक्ट कराया किसी ओवम में, डीएनए जो पहले वाले जहाँ से लिया है उसको डिफेंड नहीं करता है, देन हमने उसको मल्टीपल एम्ब्रियो कंडीशन में डेवलप कराया, देन उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर में हमने मेंटेन करा, और उसके थ्रू हम अपने ग्रोथ फैक्टर्स के अगर ऐड किया, फॉर एग्जांपल हमें किडनी बनानी है, तो उसके जो जायगोटिक कंडीशन से आपका डेवलपमेंट के टाइम पे जो फैक्टर्स रिलीज होते हैं वो हमने इंट्रोड्यूस कराए, तो वी कैन मेक द पर्टिकुलर ऑर्गन हम अपनी नीड के हिसाब से बना सकते हैं। हालांकि अभी इतना नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है रिसर्च। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स दैट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो भी मैंने आपको बताया, दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कम फ्रॉम द ह्यूमन एम्ब्रियो दैट इज 3 to 5 डेज ओल्ड। ठीक है, दे आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग एंड प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इंस्टेड ऑफ फीमेल बॉडी, क्योंकि बहुत सारी इथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले क्या होता था कि आप एम्ब्रियो अगर किसी से लेते थे तो बहुत इथिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि दैट इज द लिविंग बींग, उसको इस तरह से आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना किया जाता है, लेकिन उसमें भी कई लोगों का अपोज करते हैं कि दैट इज लिविंग बींग।
ठीक है, तो ये आपके ये इस तरह की जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, दे आर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये आपके दे कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, ब्लैंक चेक है समझ लीजिए। तो इसको हम किसी भी फॉर्म में कैश करा सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एडल्ट सेल्स जो होती हैं, दे आर एडल्ट सेल्स, एडल्ट नहीं कहना चाहिए, नॉन एम्ब्रियोनिक दैट इज बेटर टर्म, क्योंकि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन भी जब पूरे डेवलप हो जाते बन जाते हैं तो उसमें से भी जो सेल्स हम लेंगे दे आर इस कैटेगरी में एडल्ट स्टेम सेल्स में ही रखा जाता है। कई बार टर्म यूज करते हैं इसलिए मैंने बता दिया, दैट इज, बट बेसिकली दे आर नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जो मेच्योर पर्सन या पूरा कंप्लीट बॉडी कंप्लीट होने के बाद जो हम सेल्स लेते हैं दे आर कॉल्ड नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। दीज आर डेवलप फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन द बॉडी, किसी बॉडी के किसी भी ऑर्गन टिश्यू से हम डेवलप कर सकते हैं। दे आर यूज फॉर द बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज टिश्यू इन सेम एरिया इन विच दे आर फाउंड। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे फॉर आपने देखा होगा स्किन में कट लग जाता है, तो ऐसा तो नहीं हम बन गए हैं तो हमारे स्किन में जो कट लग गया वो कट बना रहेगा क्योंकि अब तो डेवलप सेल ग्रो होना बंद हो गई है, ऐसा तो नहीं होता ना, रिपेयर हो जाता है ना बॉडी, जो भी डैमेज होता है उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो हमारे, लेकिन जो वो भी स्टेम सेल्स हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्किन वाले जो सेल्स होंगे स्किन ही बनेगा, उससे कुछ और नहीं बन सकता। जैसे आपका ब्लड, आपको भी पता है कि 3-4 महीने में पूरा ब्लड का चेंज हो जाता है, आदमी सीज चेंज हो जाते हैं, तो इसमें आपके होम्योपैथिक स्टेम सेल्स होते हैं, ये भी आपके बोन मैरो में जो प्रेजेंट होता है एडल्ट स्टेम सेल्स में, ये न्यू ब्लड रेड ब्लड सेल डब्ल्यू ब्लड सेल्स ये सब बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह RBC WBC और अदर ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें कई बार आपका ये पहले अगर आपको अगर कंसेप्ट है ल्यूकीमिया होता था, ब्लड कैंसर वगैरह होता था, तो उसमें कई बार काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता था, तो अंदर से पूरा ब्लड उसका निकाल के उसका किसी और का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको बोलता जाता है, ये कई सालों सदियों कई दसियों सालों से ही चला आ रहा है। induced pluripotent stem cells, scientists genetically reprogram the adult stem cells so they behave like embryonic stem cells. ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको, reprogram करते हैं, उल्टा reverse condition में जाते हैं,
जिससे कि वो बेसिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। वो रीडिफरेंशिएशन होता है, ये डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से हम वापस उल्टे जा रहे हैं, जाइगोटिक फॉर्म में वापस जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड को नॉर्मल बेसिक सेल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो दिस मेक मोर यूजफुल इन द अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज डेवलप। ये हम इसको स्टडी के लिए भी यूज करते हैं कि किस तरह से कोई डिजीज डेवलप हो रही है। उल्टा हम रिवर्स में जा रहे हैं ना, कोई कुछ काम गलत हो गया तो उसको पीछे देखने देख सकते हो ना, रिवर्स करके। तो सेम चीज इसमें है, ठीक है। और इसका दूसरा पर्पज भी हम अपने हिसाब से भी मैंने आपको बताया, अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन वापस रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो इम्यून सिस्टम किसी और के ऑर्गन को या स्किन को या ब्लड को कुछ को किसी को भी रिजेक्ट कर देता है, उसकी जगह पे हम अपने खुद के बॉडी पार्ट्स से, बॉडी टिश्यूज से, बॉडी सेल्स से अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए कुछ बना सकते हैं, ऑर्गन बना लेंगे या सेल बना लेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें अपोजिशन भी होता है, भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स और एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल्स। इनिशियली जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जायगोट से, तो उसके एक्टोडर्म जो आपका बाहर का जो मैंने बताया ट्रोफो एक्टोडर्म, वो बाद में होता है, लेकिन इनिशियली तो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है ना। तो आजकल कई लोग जो है अपना न्यूली बॉर्न बेबी का कॉर्ड जो है इसको फ्रीज करवा के रखते हैं, उसका चार्जेस लेते हैं प्राइवेट लेबोरेटरीज वाले। तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट करते हैं अम्ब्राइकल कॉर्ड, क्योंकि वो सेम टाइप के सेल्स होते हैं आपके जो कॉर्ड सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ के बाद किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको, क्योंकि अभी तो ये इस पर इंड्यूस प्लुरिपोटेंट सेल पर काम चल रहा है, अपने ही सेल से अपने आप को बनाना, बट ये वाला तो आपका खुद का ही है, ठीक है। तो ये इसको अम्ब्राइकल कॉर्ड को सेव करके रखते हैं, फ्रोजन सेल बैंक्स होते हैं, जिस जो फ्यूचर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है, या जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, तो उस कंडीशन में आपके खुद के सेल्स हैं जो स्टेम सेल्स की तरह उसको हम रीजनरेट करा सकते हैं। ऐसे तो फ्रोजन में तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको रीजनरेट करा के हम ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। या एमनियोटिक फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है, जो बेबी के को कवरिंग में होता है, उसमें भी सेम टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन ये आपका भी अभी आगे इसमें स्टडी चल रही है, अभी ऐसे इतना वो नहीं है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फर्टिलाइज सेल से ये बाहर का लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रोफो एक्टोडर्म, ये ब्लास्टोसील है, ये इनर सेल मास है। इनर सेल मास से आप ये आपका इसमें से कोई सेल्स लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दे आर प्लुरिपोटेंट। और इसमें से अभी इस स्टेज में प्लुरिपोटेंट है, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इस फॉर्म में आपका डिफरेंशिएटेड नहीं है। बट लेटर ऑन जो आपका ये डिफरेंट उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेसोडर्म, अलग अलग एक्टोडर्म और सॉरी एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म, ठीक है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका एक्टोडर्म है, इट डेवलप्स इनटू द स्किन एंड ब्रेन, एंडोडर्म कन्वर्ट इनटू द गट, लंग्स एंड लिवर, मेसोडर्म इज कन्वर्टेड इनटू द बोन, मसल्स एंड ब्लड, ठीक है। तो ये बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड है, ये थोड़ा सा तीन पार्ट में, पहले देखिए आप इमेजिन करिए ना, ये पूरा एक साथ था, फिर जब एक स्टेज आई इसके बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब इसमें एंडोडर्म से सेल्स लेंगे तो हम इनमें कन्वर्ट हो रही, इसी में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। लेकिन ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है आपकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। तो ये स्टेज आती दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुला, ठीक है। इसमें उसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जायगोट दिस कन्वर्ट टू ब्लास्टोसिस्ट, ये इनर सेल मास है, इसको शो कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लुरिपोटेंट है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द एपिब्लास्ट, ठीक है। तो दैट इज पोस्ट इम्प्लांटेशन, इसमें आपका ये भी आपका प्लुरिपोटेंट एपिब्लास्ट स्टेम सेल्स, फिर आपका
ये आपका नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स है, फिर फाइनली जो आपका जर्म लाइन है इट इज कन्वर्टेड टू एडल्ट, एडल्ट में जो है ये आपका यूनिपोटेंट हो गया, जब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो गया दैट इज ए यूनिपोटेंट। और इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोन मैरो एंड अदर्स। ठीक है, आप इसमें देखिए वापस रिवर्स रीडिफ्रेंशिएशन करने के लिए वी नीड सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स, जो ये आपका OCT4, SOX2, KLF4, क्योंकि आजकल तुरंत डिस्कवरी हुई है उसकी, इसके थ्रू हम जो आपके डिफ्रेंशिएटेड सेल या टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं उनको हम वापस स्टेम सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स आर अगेन प्लूरिपोटेंट और ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये आपका इन विट्रो फर्टिलाइजर किस तरह से करते हैं, ओवम है, इसमें फर्टिलाइजेशन किया, देन इट इज कन्वर्ट इनटू द टोटिपोटेंट सेल्स इन डे 3। इसमें आपका 8 सेल स्टेज में होता है थर्ड डे पे, देन ये फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, ट्रोफो एक्टोडर्म जो आउटर लेयर है, ब्लास्टोसील है, ये इनर सेल मास है, ये 6 डेज में इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। इसी इस स्टेज में हम अगर इनर सेल मास को लेकर हम कल्चर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कल्चर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एज सच कोई किसी एम्ब्रियो अगर कोई आपका किसी मदर में के अंदर है तो उस कंडीशन में इसको आइसोलेट करना दैट इज वेरी डेंजरस, तो हम इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते, बेबी के लिए आपका वो नहीं हो सकता तो इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज करते हैं, या कई बार लोग डोनेट कर देते हैं एम्ब्रियो, अगर किस तरह से हो गया रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सेम चीज को दोबारा, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इनर सेल मास निकाला, फिर इसको डिश में ग्रो कराया, फिर चेंज द कल्चर कंडीशन टू स्टिमुलेट टू डिफरेंट वेरियस सेल टाइप, इससे आप स्किन भी बना सकते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स भी बना सकते हैं, न्यूरो सेल्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स और इंड्यूसर्स। ठीक है, देन जो आपकी एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं आपकी, वो दे आर अनडिफरेंशिएटेड और ये आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, लेकिन दे कैन ऑल्सो सम स्टेम टाइप ऑफ स्टेम सेल जो अपने ही टाइप के स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, दे आर या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन मैनी टिश्यूज, बोन मैरो में आपका दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द बोन, कार्टिलेज, फैट सेल्स इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, एज स्टेम सेल्स लेकिन इसमें क्या होता है प्लूरिपोटेंसी नहीं होती, किसी और फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकते, दे आर बोन मैरो में कन्वर्ट होंगे या कार्टिलेज में होंगे या फैट सेल्स में होंगे। न्यूरल सेल्स जो हैं आपकी नर्व सेल्स में या सपोर्टिंग सेल्स जो होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स इसमें ही कन्वर्ट हो सकते हैं। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं कई तरह के रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो सकती है। स्किन स्टेम सेल्स जो होती हैं वो आपकी केराटिनोसाइट्स एग्जाम्पल है उसका, ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ये भी आपके इनका भी रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, खाली स्किन ही बना सकते हैं। तो अभी किस तरह से टर्निंग पॉइंट किस तरह से आया है आपका स्टेम सेल थेरेपी में, स्टेम सेल थेरेपी में आपका जो है 2006, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आप इमेजिन करिए अभी 2022 चल रहा है, 2006 में आपका साइंटिस्ट शाइनिया यामा ने क्या किया था, एक दूसरे साइंटिस्ट थे काजुतोशी ताकाहाशी, इन्होंने रीप्रोग्राम किया था मल्टीपोटेंट एडल्ट स्टेम सेल्स को टू द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। ठीक है, तो ये किस तरह से किया था, इसमें क्या है आप फोटस की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते, तो उन्होंने क्या किया रिट्रोवायरस मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन किया था इन द माउस फाइब्रोब्लास्ट और 4 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यूज किए थे। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई
Anyone, what is the transcriptional factors? आप लोग हैं क्लास में? आवाज आ रही है आपको? यस मैम, वॉइस आ रही है. हाँ, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर? आपको पढ़ा हो अभी तक जो मैं बता रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम. द प्रोसेस मैम ट्रांसक्रिप्शन होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए from the DNA is called transcriptions. And what is the factors? Factors are the proteins excluding from polymerases. The other proteins that involved in the process of transcription. One bol raha hai. Yes, ma'am. ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आपका यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं. दे आर द फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन आपने बताया, देयर इज ए एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए टू द आरएनए. ठीक है, डीएनए से आरएनए होता है, दैट इज द कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए ऐसा तो नहीं है कि सारा एक ट्रांसक्राइब होता रहता है. देयर इज ओनली सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डीएनए दैट इज एक्सप्रेस्ड, और हर एक सेल में अलग अलग डीएनए एक्सप्रेस होता है. मैं कई बार आप लोगों ने मॉलिकुलर पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि मैंने आपको भी कई बार एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल आपकी जो कुछ सेल्स हैं जैसे लिवर है, तो लिवर में जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो उसी सेल लिवर के सेल्स में बनते हैं ना, वो कहीं और तो जाके स्किन सेल्स में तो नहीं बनने लगते हैं या कहीं नहीं बनने लगते. तो उसको रेगुलेट करने के लिए किस पोर्शन का एक्सप्रेशन होना है, दे आर रेगुलेटेड बाय द वेरियस प्रोटीन. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो भी आपके अलग से भी आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पे बाइंड कर जाता है एट द प्रमोटर साइट पे, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और वीक प्रमोटर होते हैं उसमें. जो ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है उसका एक्सप्रेशन होता है. लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जो आपके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, दे हैव द आरएनए पॉलीमरेज एज सच. जो है वो आपके आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ कैन नॉट ट्रांसक्राइब द डीएनए. इट ऑलवेज नीड वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसकी हेल्प से वो अपना डीएनए का एक्सप्रेशन होता है उसमें, डीएनए से आरएनए. मैम रो फैक्टर्स, सिग्मा फैक्टर्स, होलो एंजाइम्स? बेटा रो फैक्टर इट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. जो आप सिग्मा फैक्टर होता है ना, सिग्मा फैक्टर होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. सिग्मा फैक्टर हेल्प्स द प्रोकैरियोटिक टू सेल, वो डिपेंडेंट है उसमें. जो सिग्मा फैक्टर आपने पढ़े होंगे अगर प्रोकैरियोट्स में, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर दैट हेल्प्स द आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करना. फॉर एग्जांपल हीट शॉक प्रोटीन है, उसका सिग्मा फैक्टर 70 है, तो वो बताएगा ना इसमें जाकर इसके इसमें इस वाले जीन में बाइंड, अगर सिग्मा फैक्टर वाला बाइंड कर गया तो उस वाले जीन का एक्सप्रेशन होगा. बट इन जो आपके यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपके सिग्मा फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता है. उसमें क्या होगा, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर. जिस तरह के एक तो जनरल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं जो सभी ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा ही करेगा, इसके अलावा स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं जो स्टार्टर बॉक्स वगैरह इसी में आते हैं. बेटा दैट इज द प्रमोटर. कौन आप नाम बताइए बेटा अपना? मैम दीप्ति श्रीवास्तव. हाँ, जो आपका प्रमोटर इज द डीएनए साइट वेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड. हाँ जी, वो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. बट द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रमोटर. वो आपके प्रोटीन होंगे. ठीक है, समझ रहे हैं बात को? आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन है और जो प्रमोटर है वो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है दैट इज द प्रमोटर. तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आपका जो
सिग्मा फैक्टर है वो उसको हेल्प करता है उसके रिकॉग्निशन के लिए कहाँ पे बाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज को. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे बैक्टीरिया सेल आपकी यूकेरियोट सिंगल सेल होती है तो उसमें क्या होगा, जब हीट का हीट बढ़ेगी तब उसको हीट शॉक प्रोटीन बनाना है, तो उस कंडीशन में सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को उस पोर्शन में ले जाके एक्सप्रेशन होगा. बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपकी हेल्प करेंगे किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को. तो इसमें यूकैरियोटिक का इनहेंसर्स जो आपके बाइंड करके उसे आरएनए, ठीक है, जैसे बहुत से हार्मोन्स हैं वो आपके काम करते हैं इन्हीं फैक्टर्स की तरह, ठीक है. जो आप फॉर एग्जांपल एक आप पूरा डेवलपमेंट होने के बाद भी एक प्यूबर्टी स्टेज आती है उसके बाद ही कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उसमें चेंज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ जीन जो है वो एक्सप्रेस होने लगे. तो वो जीन कैसे एक्सप्रेस होने लगे, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, इट मे बी एनी हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो आपके जाके उस पर्टिकुलर जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस में बाइंड कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन, ठीक है. तो ये आपका जो है, इसमें अगर हम नॉर्मल सेल्स से वापस उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स में, तो आपके ये डिफरेंट इन्होंने सबसे पहले 2006 में किया कि इन सारे फैक्टर्स को यूज किया, इससे क्या हुआ, बेसिकली ये वाले कब एक्सप्रेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट को प्लूरिपोटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये आपके इसी के बाद से, क्योंकि नॉर्मली स्टेम सेल्स का जो आपका चल रहा था काम उस पर ये हो रहा था कि आपका दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि बाकी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि वापस अनडिफरेंशिएशन कैसे हो. तो इस इन करके नॉर्मल एडल्ट सेल्स को वापस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया एंड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है. तो ये एक बहुत, इसके बाद एक बार रास्ता निकल आता है फिर अब तो इसमें और भी कई सारे पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स लेकर वापस कन्वर्ट करना शुरू किया है. और ये अगर ये ये वाला टेक्निक आ गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो कुछ बाद ये इस तरह से किया था, आइसोलेट किया उन्होंने सेल्स को, डिश में ग्रो कराया, देन वी ट्रीट द सेल्स विद द डिफरेंट, इसको टर्म इन्होंने अभी हम उसको नहीं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर टर्म नहीं यूज कर रहे हैं, दैट इज रीप्रोग्रामिंग फैक्टर. रीप्रोग्रामिंग कई बार आपका कंप्यूटर उसमें क्या होता है, पूरा सब कुछ खाली हो जाता है, जो एक्सप्रेशन हो रहा होता है, जो भी होता है सब खत्म हो जाता है ना, ठीक है. तो इसी तरह इसको ट्रीट किया हमने रीप्रोग्रामिंग फैक्टर से, कुछ वीक वेट किया, देन दे आर कन्वर्टेड इन टू द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. नाउ दीज सेल्स कैन, इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए चेंज कल्चर कंडीशन टू स्टिमुलेट सेल्स टू द डिफरेंशिएटेड इनटू द वैरायटी ऑफ सेल्स. अब इन्हीं सेल्स को हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम डिफरेंट फैक्टर्स से ट्रीट करेंगे, डिफरेंट कंडीशन से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारे अकॉर्डिंगली दे कैन कन्वर्ट इनटू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने निकाला स्किन से था, बट
नाउ जब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो गई तो उसको हम वापस ब्लड सेल्स में, गट सेल्स में या कार्डियक मसल सेल्स में किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यूज ऑफ द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का हम किस तरह से यूज करते हैं, अभी पहले हम एक रफ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यूज कैसे करेंगे, न्यू सेल्स को हम लेबोरेटरी में ग्रो कराएंगे टू रिप्लेस द डैमेज्ड ऑर्गन और टिश्यूज में, हम नए सेल्स को ग्रो करा रहे हैं आपका, जिसमें डैमेज सेल्स ऑर्गन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। कुछ पार्ट भी चेंज कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन दैट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर कुछ एक पार्ट चेंज करने से काम चल जाता है, नई गाड़ी थोड़ा हमेशा खरीद लेते हैं, हमेशा कुछ पार्ट चेंज करके काम चल रहा है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट क्यों है, फॉर एग्जाम्पल हमने एम्ब्रियोनिक सेल्स कल्चर डेवलप कर लिया तो इनिशियल कंडीशन में पहुंच गया, तो हम उसी कंडीशन में हम रेक्टिफाई पता चल जाएगा ना कि ये इस जीन में प्रॉब्लम है, तो हम उस टाइम क्या बनने लगा था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, तो उसको हम जेनेटिक डिफेक्ट की रिसर्च में यूज कर सकते हैं। ये भी रिसर्च किया सकता है कौन सी डिजीज कैसे डेवलप हो रही है, कुछ तो आपकी पैथोलॉजिकल डिजीज होती हैं जो किसी पैथोजन के आने की वजह से होती है, बट सर्टेन डिजीज आर फिजियोलॉजिकल, जो आपकी जैसे कैंसर है वो कैंसर सेल्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है उसको हम स्टडी कभी कर सकते हैं इसी स्टेम सेल्स के थ्रू। और नई ड्रग्स की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, अभी तो हम क्या करते हैं रैट लेते हैं, माइस लेते हैं, उनको यूज करते हैं फॉर द टेस्टिंग, लेकिन हम डायरेक्टली सेल्स को ही यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ह्यूमन सेल्स को ही यूज कर सकते हैं कि किसी ड्रग का किसी सेल में क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लेकर चलते हैं स्टेम सेल्स यूज इन द मेडिसिंस। मेडिसिंस में हम किस तरह से यूज करते हैं, मेडिसिन का तो एक बहुत बड़ा सारा देखा जाए, सबसे अगर कोई स्टेम सेल्स का सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा है तो वो मेडिसिन के केस में ही हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसकी स्टडी में यूज कर सकते हैं, मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया ड्रग के लिए टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका स्टेम सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा आपका जो आता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स सेल ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या हो रहा है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है इम्पॉर्टेंट, ये आपके क्या करते हैं टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 साल से ज्यादा हो गया इसको स्टडी करते हुए, ये आपके पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स हैं, दे आर पोटेंशियल टू रीजनरेट मेडिसिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, ट्रांसप्लांटेशन पे यूज कर सकते हैं किसी में, अगर फॉर एग्जाम्पल ल्यूकीमिया है, किस तरह कंडीशन डेवलप हो गई है तो हम इजिली उसके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, ब्लड चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली किसी को डोनर की रिक्वायरमेंट होती थी, वो डोनर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर हम इसके थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। फार्मोलॉजिकल टेस्टिंग मैंने भी बताया, मेडिसिन ड्रग्स टेस्ट के हम यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को यूज कर सकते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है, किसी को जानकारी है व्हाट इज द आर्थ्रोप्लास्टी? मैम इट इज रिलेटेड विद द बोन्स। बोन्स से रिलेटेड है, जैसे नॉर्मली क्या होता था, जैसे आपका फ्रैक्चर हो जाता था तो फ्रैक्चर क्या होता था, नॉर्मली सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में कई बार नी ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, आपने पेल्विक बोन्स का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है कई बार, जो खासकर बूढ़े लोगों में तो अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो उसमें वो पर्टिकुलर सर्जरी करके वो रिमूव कर देते हैं, दैट इज इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से कई बार चेंज करना पड़ता है या फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर हम कोई ट्रांसप्लांट करते हैं कोई पर्टिकुलर
जो मेटल का ही बना होता है, कई कई सारे मेटल्स को मिलाकर ही ट्रांसप्लांट एज ए हड्डी किसी और की नहीं लगाते ना, ट्रांसप्लांटेड लाइफ होती है, कितना भी अच्छा यूज करें तो उसका एक लाइफ होती है, वो अकॉर्डिंग टू द रेट कुछ की 10 साल होती है, कुछ की 20 साल होती है, 35 साल तक भी होती है। तो ओल्ड एज में तो एक्सपेक्ट है कि 60-70 साल का है, तो अगर 20-30 साल भी चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यंग पेशेंट्स हैं उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो जो यंग पेशेंट्स हैं उनके संग ये इम्प्लांट प्रॉब्लम करता है, बार बार सर्जरी करनी पड़ेगी, वो एक टाइम इसका एज टाइम खत्म हो गया तो उसको फिर से रिमूव करके फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम कितनी आती है, अभी जब बॉडी है आपकी कोई पर्टिकुलर मेटल प्लेट पड़ जाती है तो उसके ऊपर कैलस जमना शुरू हो जाता है, दैट इज फिर उसको पूरा रिमूव करके वो प्लेट निकालना ही अपने आप में 10-20 साल बाद बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो यंग पेशेंट्स के लिए जो है दैट पुराने लोग बूढ़े लोगों के संग तो क्या होता है, लोग वो डाल के रखते हैं, लेकिन यंग पेशेंट्स में उसको अगर रिप्लेस करने की नौबत आती है तो दैट इज वेरी पेनफुल, और दोबारा हड्डी तोड़ के तोड़ने ऐसी स्थिति हो जाती है, तो दैट इज वेरी पेनफुल। तो उस तरह के केसेस में अगर स्टेम सेल्स अगर अल्टरनेटिव हो जाएगा इस तरह से आर्थ्रोप्लास्टी, अगर आपने अपने ही बॉडी के सेल्स से रीजनरेट कर लिया किसी बोन को और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, तो अगर आपकी ही बॉडी का है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें वो पड़ा रहेगा, उसमें उसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, वो आपकी बॉडी का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन एजिंग की तो प्रॉब्लम सबको रहती है, एजिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीलोमरेज भी है उसका एक रीजन। टीलोमरेज क्या होता है, एक टीलोमरेज आप लोग जानते हैं, व्हाट इज द टीलोमरेज मैम? टीलोमरेज हाँ डीएनए रेप्लिकेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स अकर, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, देन जो मैम निक का फॉर्मेशन हो जाता है शायद उसको फिलअप करते हैं ये। कुछ हद तक आप काफी ठीक बता रहे हैं, जो आपका सेलुलर डीएनए होता है उसमें आपको डीएनए सिंथेसिस पता होगा, हमेशा इट अकर इनटू द 5' टू 3', ठीक है। तो क्या होता है, आपका दो स्ट्रैंड होते हैं, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, पता होगा आपको। यस मैम, लीडिंग, लैगिंग और ओका जैकेट फ्रेगमेंट्स। हाँ जी, तो लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस 5' 3' सिंथेसाइज होता है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसमें बार बार प्राइमर ऐड होता है। मैं आप लोग क्लास में नहीं है तो मैं और अच्छे से समझा पाती आपको। तो उसमें क्या होता है, एक पोर्शन आपका जो दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड में उसमें प्राइमर ऐड होता है लास्ट के एंड पे, तो वो रिमूव हो जाता है। तो क्या होगा, वो उतना डीएनए कम हो गया ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए कई रिपीटेड सीक्वेंस टीलोमर्स के ऐड कर दिए जाते हैं इन केस ऑफ लीनियर डीएनए। सर्कुलर में तो कोई दिक्कत नहीं, गोल गोल है तो पूरा कर ही लेता है, लेकिन लीनियर डीएनए में क्या होता है, जो वो कई सारे टीलोमर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन एक टीलोमर्स ऐड होने के बाद भी एक एज के बाद क्या होता है कि वो सीक्वेंस हर बार जब भी रेप्लिकेट करती है सर, तो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स कुछ कम होने लगते हैं। तो जो आपका जो एजिंग प्रोसेस है उससे भी रिलेटेड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एजिंग के लिए आपको रिवर्स, सब लोग बूढ़ा कौन होना चाहता है, कोई बूढ़ा नहीं, बूढ़ा होगा फिर मर भी जाएगा, तो ठीक है। तो इसके लिए वापस कन्वर्ट करने के लिए यंग एज में आने के लिए कई सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और एजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल होने लगता है, एज के संग संग हर चीज ढीला ढाला हो जाता है ना, आदमी शरीर भी कमजोर हो गया, थकान होने लगी है ना, इफिशियंसी कम होती जाती है, शॉर्टर टीलोमर्स जो हैं आपके होते हैं इन ओल्ड एज में, क्योंकि जो बचपन में तो होता फिर हर बार जब कम होता जाता तो ओल्ड एज तक आते आते फिर वो नौबत आ जाती है जीन तक, जीन का कुछ सीक्वेंस आपके कम होने लगेंगे तो क्या होगा, एंजाइम्स बनने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो
इसके लिए क्या किया गया, ह्यूमन और माउस, अभी जो स्टडी पे है अभी कोई यंग नहीं हो रहा, ह्यूमन और माउस सेल्स के सोमेटिक सेल्स को रीप्रोग्राम किया इंड्यूस प्लुरिपोटेंट सेल्स में, जो जिससे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एजिंग के लिए उनको हम जीरो कर दें, ठीक है, पता चल जाएगा हमको कि हाँ ये डेवलपमेंट स्टेज में कि हाँ ये हो रहा है, इसके बाद एजिंग हो रही है, तो कुछ ऐसा कर दो जिससे एजिंग, एक तो जो है प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू, या जिसके थ्रू हम स्किन चेंज कर रहे करें, या फिर सेल्स में ही बॉडी में ऐसा कुछ चेंज कर दें कि हम कुछ ऐसे चीजें इंजेक्ट करा दें जो हमें बॉडी एजिंग हो ही ना, हम लोग हमेशा यंग बने रहें या डेथ से बच के रहें, ठीक है। तो ये भी सब अभी शुरुआत से मैंने कहा 2011 में भी किया है, 10 साल पहले की बात है, 11 साल पहले। लेकिन मैम ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, नेचुरल के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? नेचर के अगेंस्ट तुमने कभी सोचा था? तुम छोटा सा, तुमने क्या हम लोगों की एज में, तुम लोग जब 5 साल की थी, तो तुमने सोचा था कि एक छोटा सा डिब्बा पेंसिल बॉक्स लेके हम बिना तार के, बिना किसी चीज के हम अमेरिका लंदन बात कर लेंगे? नो मैम, यस मैम, सब कुछ पॉसिबल है। आज से किसी ने कुछ साल पहले सोचा था कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी चेंज कर सकते हैं एक से दूसरे में, महाभारत में है, हालांकि कि उन्होंने मटके में 100 घड़े करके उन्होंने 100 कौरव बना दिए थे ना, लेकिन अभी अभी फिलहाल की बात करें, आज से कुछ 100 साल पहले से लेके अभी तक में कितना चेंज आ गया, अभी सोचो ना कितना समय के संग कितनी तेजी से, 2011 में भी हुआ है तो 10 साल अभी हुए, तो तुम अभी थोड़ा सा हर चीज में टाइम लगता है, तो ये तो है कि आगे बहुत से लोगों ने आपको मैम यूएस में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया एक ओल्ड, मतलब कि हाँ, तो अभी एक्चुअल में इसमें भी मैं आगे आपको आगे और डिस्कस करेंगे, क्या होता है कि बहुत सी चीजों में आप अवॉइड वो करते हैं कि इथिकल प्रॉब्लम आ जाती है, ये अभी गवर्नमेंट बहुत सी रिसर्च तो चुपचाप चोरी से चलती है, लेकिन इथिकल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती थी, यूएसए में भी मैं बताऊंगी क्या क्या आपका रेगुलेशंस है, तो उसके हिसाब से कई बार लोग उसको विरोध करते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को भी वो मानते हैं कि दे आर लिविंग थिंग्स, और उसको डैमेज करना या कुछ करना भले ही उस सेल के बॉडी के बाहर है उसको वो अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए कई बार उस पर हर्डल्स आते हैं। तो अभी पिक का ट्रांसप्लांट किया गया तो ह्यूमन का भी कुछ होने ही लगेगा आज से 10 साल तक, तो ये चीजें आज तक तो इस समय के संग, तो कभी सोचा था घर बैठ के तुम लोग पढ़ोगे क्लास में, मैम को अपना यहाँ से क्लास लेनी, कभी सोचा था आज से? नो मैम, मैं कहीं बैठे थे हम, आप कहीं बैठे हो, कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा ना, तो ये मत कहो बॉडी रशिया में जो है एक पर्टिकुलर जगह है वहां पे अपनी बॉडी को फ्रीज करा के रखा है, किस लिए फ्रीज करा के रखा है, जैसे आप लोग पता नहीं आप लोगों को कितना कंसेप्ट है, जैसे हम लोग कई बार सैंपल कलेक्ट करते हैं -80 डिग्री पे रख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, उसको हम फिर से सैंपल जब हमें काम करना होता है उसको निकाल के हम काम कर लेते हैं, तो सेम उन्होंने अपने बॉडी को डीप फ्रीज कर, कोई डिजीज हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एकदम उसके बोल दिया कि हाँ मैं जाकर उसमें डीप फ्रीजर में अपने आप को उन्होंने जमा करा दिया, कि किस लिए, कि आज से फ्यूचर में कभी उसका कुछ क्योर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स के भी रिसर्च चल रही है, तो उसके थ्रू वो वापस जिंदा हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आउट ऑफ द वे है हालांकि, लेकिन ये आपका ये ऐसा आप नहीं सोच रहे कैसे हो सकता है, लेकिन लोगों ने सोचा है और अपने आप को रखा हुआ है कि हम भविष्य में फिर से जिंदा होकर आएंगे, ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल हैं और होंगी भी अगर नेचर ने अपना कमाल नहीं दिखाया, जो हम लोग अपना नेचर भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अगर साइंस इसी तरह चल रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, तो ये आपका ठीक है, तो इसमें आपका सेल प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, सेल बेस्ड थेरेपीज के लिए, जिसमें आपका क्या है, दैट इज जैसे रिपेयर डैमेज
डिस्ट्रॉयड टिश्यू, जैसे क्रश हो गया पर्टिकुलर, अब जैसे ये प्लास्टिक सर्जरी है, अभी तो हम क्या करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए, फॉर एग्जांपल अगर चेहरे में दाग है तो हम क्या करते हैं बॉडी के, ये सब तो स्टार्ट हो ही गया है, किसी और का स्किन लेंगे ग्राफ्ट, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा क्योंकि एंटीजन की तरह काम करेगा, उसके जो सरफेस सेल्स के ऊपर एंटीजन है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए जो आपका इसमें अगर अभी क्या करते हैं कि चेहरे की स्किन रिप्लेस करने के लिए कई बार बर्न केसेस में होता है या कुछ एसिड अटैक्स केसेस में होता है, तो क्या होता है थाइज या जो आपका बॉडी का पोर्शन ओपन नहीं है वहां से लेके स्किन ग्राफ्ट करते हैं आपकी बॉडी में, वो रिजेक्ट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये भी काफी पेनफुल है, एक जगह से बॉडी का सेल का पार्ट लेके उसी जगह लगाना, तो ये, लेकिन अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कल्चर डेवलप हो गया तो आपने बॉडी के पार्ट्स कहीं से थोड़ा सा निकाला और उससे आप जो डैमेज पोर्शन है उसको रिपेयर कर सकते हैं, जितना डिस्ट्रॉयड टिश्यू है उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसमें आगे बहुत होप है इसमें। देन फर्टिलिटी डिजीज, बहुत सारी ये भी 2011 पे आपका जो है हुआ था, इन्होंने क्या कि माइस पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अभी हुए हैं, ह्यूमंस पे अलाउड नहीं है, ठीक है। इसमें इन्होंने स्पर्म सेल्स डेवलप किए, किससे, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, कुछ लोगों में जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं तो इनफर्टाइल मदर या इस तरह मदर में ओवम नहीं बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमने बॉडी के पार्ट्स से सोमेटिक सेल्स को वापस हमने कन्वर्ट किया, जिसके थ्रू वापस स्पर्म या कुछ बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपना खुद का भी क्लोन बना सकते हैं फ्यूचर में, हॉलीवुड की अगर मूवीज आप देखते हैं तो उसमें इस तरह की मूवीज काफी बनती हैं कि सेम टाइप के और ह्यूमंस आप जैसे आप हो, जैसे भी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में दिखाया था, अनफर्टिलाइज एग लिया, उसमें से आपने अपनी ही बॉडी का न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस करा दिया, जो पहले वाला न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया, तो जो डीएनए टोटली सेम है ना, ऐसे तो सब में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, भले ही एक मम्मी पापा है लेकिन चेंज आता है, लेकिन अगर आपने अपना ही डीएनए बॉडी का लेकर सोमेटिक सेल से लेकर इंट्रोड्यूस करा दिया तो जो डेवलप होगा दैट इज टोटली क्लोन, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो आपका ठीक है, तो उस इस तरह से हम अपना भी क्लोन बना सकते हैं और आगे फ्यूचर में भी अपने स्टोर भी करके रख सकते हैं कि फ्यूचर में अपने आप को फिर से बना लें। तो ये सब चीजें, स्पर्म भी बन सकता है और फीमेल में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एग फंक्शनल एग नहीं बन रहा है तो उसको भी हम सोमेटिक सेल से बना के फिर फाइनली फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब व्हाट इज द स्टेम सेल्स एंड द टिश्यू बैंक्स, टिश्यू बैंक्स क्या होते हैं, आपने कुछ लोगों ने आप जानते भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल्स लिया, इसको ये जो आपकी सेल्स हैं वापस प्लूरिपोटेंट में कन्वर्ट हो गई, तो ये हम इनकी अनलिमिटेड प्रोपोगेशन की एबिलिटीज रहेगी, तो ये इसमें कुछ लोग तो डोनर की तरह काम करते हैं, जैसे फॉर नॉर्मली क्या होता है अगर आजकल भी ये चीज़ें होने लगी हैं, जैसे बहुत से लोग डोनर का काम करते हैं, डोनर का काम क्या करते हैं, जैसे किसी को प्रॉब्लम है तो जाकर उन्होंने टेस्ट कराया, फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड आपका हीमोपोइटिक ब्लड कैंसर हो गया तो उसको हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स चेंज करानी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, हमारी बॉडी में भी अपने आप ही नेचुरल भी स्टेम सेल्स होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी से एक किडनी से थोड़ा सा हार्मोन निकलता है जो बॉडी को सिग्नल करता है कि और आरबीसीज बनाइए और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, इसीलिए पहाड़ी लोगों के गाल लाल लाल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी जाते हैं तो आपका भी चेहरे का रंग चेंज होने लगता है, तो उसका यही रीजन है। अब क्या है अगर कोई किसी को रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो बहुत से लोग डोनर का काम करते हैं और वो क्या करते हैं अपना उनको कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे उनकी बॉडी के सेल्स तेजी से बनने लगे, कुछ टाइम के बाद वो डोनेट करते हैं, अगर
ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तब तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है बोन्स में के थ्रू निकाल के दूसरे में ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको, या तो हमेशा डोनर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेम सेल्स और टिश्यू बैंक, जिसमें डोनर अपना डोनेट कर देता है तो उसमें वो स्टोर करके रखा जाता है, आप वो फ्यूचर में कभी किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह करके कि कोई पर्सन हेल्दी है या कुछ जो डोनर है वो प्रॉपर्ली परफेक्ट है, उसको हम उसके डिफरेंट टिश्यूज या उसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं जीते जाते आदमी की किडनी निकाल ली, ऐसा नहीं मतलब, लेकिन कुछ जैसे ब्लड सेल्स ले सकते हैं या कुछ और आपके डिफरेंट सेल्स को लेके वापस इंड्यूस करके प्यूरपोटेंट सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेसीडस टीथ होता है, दांत तो झड़ ही जाते हैं ना बचपन के दूध के दांत तो गिर जाते हैं, वो आपके डेवलप कब होते हैं जब फोइटस डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तब उस समय दांत डेवलप होते हैं, तो उसमें से वो उसमें भी बहुत कैपेबिलिटी होती है जो उसका जो टीथ के अंदर का पार्ट है वो कई तरह के बॉडी टिश्यूज में कन्वर्ट हो सकता है बाकी स्टेम सेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स ऑफ द ह्यूमन एक्सफोलिएटेड डेसिडुअस टीथ। ठीक है, वो दांत 6 महीने के रहते मसूड़ों के अंदर ही है, 6 महीने के बाद इरप्ट करते हैं और वो आपके कुछ टाइम के बाद गिर जाते, तो वो गिर गए तो चूहा उठा ले जाएगा, तो कुछ ऐसे कुछ बोला जाता था, लेकिन उसको अगर आप डोनेट कर देते हैं तो उससे कई तरह के स्टेम सेल्स और बॉडी टिश्यू डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डोनर का मैच करके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल डोनर मैच कई, अगर आपके पास जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, सबके अलग अलग वो रहते हैं, किसी को इमरजेंसी में तुरंत रिक्वायरमेंट होती है तो ब्लड सप्लाई करते हैं हम लोग। तो सेम इसमें भी क्या करते हैं कि हम और जैसे ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पहले से स्टोर करके रखते हैं, हमने मैच कराया, कोई इम्यून रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, तो अगर ऐसे नॉर्मली किसी भी इमरजेंसी है तो अब आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर हमारे पास इस तरह का बैंक टाइप की फैसिलिटी डेवलप होगी तो हमें जैसे ब्लड के केस में होता है सेम ऑर्गन डोनर अगर पहले से कोई डोनेट कर देते, बहुत से ब्रेन डेड लोग होते हैं तो जिनके जो है लिविंग कंडीशन में ही ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। ये मेथड जो अगर इस तरह के टिश्यू बैंक स्टेम सेल बैंक होंगे तो बहुत सिंपल और पेनलेस होता है चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए। जो आप नॉर्मली आजकल हो गया है कॉर्ड ब्लड स्टोरेज होता है ना, ये जो आपके जो उसको डीफ्रीज करके रखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, उसके कंपैरिजन में ये 1/3 होती है इसकी कॉस्ट अगर आप इस तरह से टिश्यू बैंक होते हैं तो। ठीक है, डीफ्रीजर रखने में इसमें जो आपको जो कंडीशन देनी पड़ती है उसमें उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा आती है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के एथिकल कंसर्न मैंने भी बताया बहुत सारे होते हैं, तो उसके कंडीशन उससे कंपेरेटिव में इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी कम होती हैं। ठीक है, इस इन कंट्रास्ट टू द कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स, ये आपकी जो ये वाली सेल्स हैं स्टेम सेल्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटेड डेसिडुअस टीथ, ये आपकी सॉलिड टिश्यूज में इजिली, जैसे इसको डेवलप कराने के लिए पर्टिकुलर टिपिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये सिंपल आपकी कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, डेंटल टिश्यू, बोन टिश्यू किसी में भी आपके रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अभी अभी तो प्रिलिमिनरी तो काफी बचा हुआ है,
आज रखी क्लास, कल क्लास इसको कंटिन्यू करूं मैं। ओके कल करती हूँ, कल सॉरी कल 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 छुट्टी है। मैम परसों भी छुट्टी है, परसों रविदास जयंती। नहीं नहीं रविदास जयंती छुट्टी खत्म कर दी गई है बेटा योगी गवर्नमेंट में, तो परसों आपको, आप लोग ऑफलाइन आएंगे कि ऑनलाइन आएंगे वो बता दीजिएगा, फिर उस हिसाब से। मैम ऑनलाइन रखिएगा वेडनेसडे को। यस मैम ऑनलाइन सही, ऑनलाइन सही आना नहीं पड़ता, नेट एग्जाम है मैम, नेट का एग्जाम है 17 को। अच्छा चलिए ठीक है, फिर वेडनेसडे को फिर ऑनलाइन हम लोग मिलते हैं। कुछ पोर्शन रह गया आपका, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या है उसमें अभी इतने आज के क्लास में कवर नहीं हो पाएगा। जब तक आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, कुछ अगर पूछना हो क्लास में। मैम कैंसर स्टेम सेल क्या होता है? क्या कैंसर स्टेम सेल्स? कैंसर आगे क्या बोल रहे हैं? स्टेम सेल्स, कैंसर स्टेम सेल्स, कैंसर स्टेम सेल्स जो, देखिए नॉर्मली जो स्टेम सेल्स होती हैं, अगर कोई भी स्टेम सेल अनडिफरेंशिएट डिवाइड करती चली जाएंगी, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, दैट इज कैंसरस स्टेज। तो कई बार इसमें ये आपको मैंने दिखाया नहीं, चलिए मैं उसको मैंने सोचा था अगली क्लास के लिए रखूंगी। जैसे कोई सेल्स हैं आपकी अनडिफरेंशिएट, कई मल्टी एक बॉडी में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया लेकिन वो अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करती चली जाएंगी, तो वो तो प्रॉब्लम कर देंगी ना, दैट इज टेराटोजेनिक, दैट इज कैंसरस। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिए आपने, इसको आपने ट्यूमर में, ट्यूमर फॉर्मेशन वो मल्टीप्लाई करती है तो ट्यूमर फॉर्म कर देंगी ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्टेम सेल्स को मल्टीप्लीकेशन से रोकते हैं, देन उसमें से सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेनिटर सेल्स और मेजन, किसी के कैमरा वो ऑन है, स्पीकर ऑन है, प्रोजेनिटर सेल्स और मेजेनकाइमल सेल्स समझो हैं आइसोलेट करते हैं और जिसमें पर्टिकुलर सिग्नल होता है, देन वी मिक्स द, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है। अब आपके स्टेम सेल्स तो अभी अनडिफरेंशिएटेड है, आपके जायगोट में क्या होता है, सेल्स मल्टीप्लाई करती चली जाती है ना, मल्टीप्लाई करती चली जाती, तो उसको अगर वो अनकंट्रोल रहेगी उसमें तो कई एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बनती हैं, 10^13 सेल्स बन रही है। तो अगर आपकी जो उसको अगर नॉर्मल किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया अनलिमिटेड ग्रोथ होती चली जाएगी तो वो कैंसरस सेल्स की तरह होंगी, ठीक है। आप स्टोर करने के लिए तो यूज कर सकते हैं लेकिन बॉडी में तो दिक्कत होगी, तो इसलिए वी यूज सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर सिग्नल देती हैं जिससे एक नॉर्मली सेल्स आपको आपकी प्योर फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अगर कोई भी कैंसर सेल्स का बात करेंगे तो दैट इज अनकंट्रोल्ड, जो मल्टीप्लाई करता जाएगा दैट इज कॉल्ड कैंसर सेल्स, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? चलिए आप 15 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पता नहीं कितने क्लास है मुझे आइडिया नहीं है। जिस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टॉप कर दीजिएगा।